पंजाब किंग्स ने आईपीएल में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में मात देकर इस सीजन में सफर की शुरुआत की। पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 221 रन बनाए, जिसमें कप्तान केएल राहुल के 91 रन तो वहीं दीपक हुड्डा का 64 रन का बड़ा योगदान रहा। पिछले सीजन में ऑरेंज कैप जीतने वाले राहुल इस बार भी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। राहुल की शानदार बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि लीग के पहले ही मैच में उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल राहुल पंजाब किंग्स के लिए 2000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले शॉन मार्श ने पंजाब के लिए 2000 रन बनाए थे। पंजाब के लिए राहुल ने 43 पारियों में 2013 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 55.91 रही थी। वहीं मार्श ने 69 पारियों में 2447 रन बनाए हैं। जहां मार्श ने केवल एक शतक लगाया था, तो वहीं राहुल अब तक 2 शतक लगा चुके हैं। इससे पहले पिछले सीजन में केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। हालांकि आईपीएल से पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में राहुल का बल्ला शांत ही रहा था। उस समय उनकी बल्लेबाजी की काफी आलोचना भी हुई थी। यही कारण था कि अंतिम मैच में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।